यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। आज मैं अपने लिए उसको पीसी में प्ले कर रहा हूँ, तो फिलहाल आप लोग जरा देख लो मेरे पास भाई क्या क्या सामान आ पाया है। मैं भाई गेम पे काफ़ी ज़्यादा कम ही आ पा रहा हूँ आजकल, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं आ पाया है। बट आज हम थोड़ा बहुत गाइस सामान वगैरह कलेक्ट करने की कोशिश करने वाले, रूम वगैरह करेंगे। तो इधर मेरे पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वगैरह था जो कि मैंने अपने स्टोरेज पर रख दिया। अभी यहाँ से मैं कार्ड वगैरह उठाता हूँ एंड चलेंगे गाइस मिलिट्री बेस। फिलहाल तो देखो मेरे पास कार्ड के नाम पे सिर्फ ग्रीन कार्ड ही पड़ा है, ब्लू कार्ड अभी तक मेरे को नहीं मिला है। मैंने काफ़ी सारे ग्रीन रूम ओपन कर लिया है बट भाई कार्ड तो नहीं मिला, हर टाइम लूटेड ही होता है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे ब्लू कार्ड ढूंढने का, देखते हैं भाई हमको मिलता है कि नहीं। मैंने देखो SMG का रेसिपी तो निकाल लिया, तो मैंने SMG भी एक क्राफ्ट भी कर लिया है एंड कुछ बुलेट वगैरह भी ऑलरेडी क्राफ्ट कर लिया है। लास्ट टाइम यार मैंने अपने फर्नेस पे कुछ चीज़ें वगैरह मेल्ट होने के लिए लगा दिया था, तो अभी देखो अपने पास चारकोल भी मेल्ट हो चुका है काफ़ी सारे एंड तो अभी हम और भी बुलेट वगैरह बना सकते हैं। दूसरे फर्नेस पे क्या रखा था मैंने, आई थिंक आयरन वगैरह रखा था। ओ भाई चलो अपने पास आयरन वगैरह भी मेल्ट हो चुका है। अभी मैं एक काम करता हूँ भाई, अपने पूरे के पूरे बेस को ना आयरन पे ही अपग्रेड कर देते हैं। छोटा सा ही बेस है अपना 2x2 का, तो अपग्रेड जितना रहेगा उतना सही रहेगा, वरना रेड वगैरह हो सकता है। तो इसी वजह से भाई मैं इसको आयरन पे अपग्रेड कर दूंगा सीधा कैबिनेट से। ओके तो भाई कितना आयरन लगेगा, तो 3000 के आसपास आयरन लग जाएगा भाई, 3200 कुछ। तो चलो भाई अपग्रेड कर ही देते हैं। और अपने पास बचेगा कितना, 2000 के आसपास बचे रहेगा, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस तो हम निकाल ही लेंगे। ओके गाइस तो मैंने यार अपने पूरे के पूरे बेस को आयरन पे अपग्रेड तो कर दिया है। अभी मेरे पास जितना भी आयरन बचा है मैं रख दूंगा कैबिनेट पे, बाकी थोड़ा सा रख लिया अपनी जेब में क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बुलेट वगैरह भी क्राफ्ट करना है SMG का। लेट्स गो गाइस। तो मैंने अपनी जरूरत के सारे सामान उठा लिया, अभी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ मिलिट्री बेस जाने के लिए। तो अभी चलो फटाफट से हम लोग ऐसे निकलते हैं मिलिट्री बेस के लिए। अपने दरवाजों को बंद करके रख देता हूँ यार, ये पीसी में खेलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और पीसी में लैग भी करता है। कोई कोई भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई पीसी में शायद से लैग नहीं करेगा, बट ऐसी बात नहीं है। चाहे आपका कितना भी हाई एंड पीसी क्यों ना हो भाई, ये सब गेम लैग करेगा ही, क्योंकि पीसी में जो भी एंड्रॉयड गेम वगैरह चलता है ना वो असल में पीसी के ऊपर तो चलता ही है, लेकिन वो असल में एक ऐप के ऊपर चलता है और उस ऐप का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं होता, जिसके वजह से आपके एंड्रॉयड गेम पीसी में लैग करता है। अगर इसका कोई स्पेसिफिक वर्जन होता पीसी वाला तो लैग नहीं करता, बट ये असल में एमुलेटर के ऊपर चलाना पड़ता है हमको, तो जिसके वजह से लैग कर जाता है। तो इस गेम को भाई सही से खेलने के लिए आईपैड से बेहतर मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। फिलहाल गाइस यहाँ पे मेरे को बोर्ड वगैरह तो मिलता नहीं, अगर बोर्ड मिलता भी तो भी मैं उसको चला नहीं पाता क्योंकि मेरे पास फ्यूल के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो खैर हमको तैर के ही जाना पड़ेगा, ये नदी पार करना ही पड़ेगा। तो चलो फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं मिलिट्री बेस के आइलैंड पे। ओके गाइस तो मैं मिलिट्री बेस तो पहुंच गया हूं एंड यहाँ पे मेरे को मिलता है ये दो स्पीड मॉन्स्टर, जिनको मैं अभी मारने लग जाता हूँ क्योंकि स्पीड मॉन्स्टर से ही गाइस हमको काफी अच्छा खासा कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाता है। खैर पीसी में खेलने का एक फायदा तो है कि अगर आपके गन पे स्कोप भी नहीं रहेगा ना, फिर भी मान लो वो आपका रेड डॉट जैसा काम करेगा, और अगर आपने रेड डॉट लगा लिया तो समझ लो भाई वो आपका 4x जैसा काम कर जाएगा। तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि बड़ा स्किन है ना। बस यार एक ही मेरे को खराब चीज़ लगा कि इसका FPS काफ़ी ज़्यादा कम देता है। अगर FPS ज़्यादा देता ना तो सच में यार मज़ा ही आ जाता, मैं हमेशा हमेशा के लिए PC में ही स्विच हो जाता, लास्ट डे हमेशा PC में ही खेलने लग जाता। फिलहाल यार यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों स्प्लिट मॉन्स्टर को तो मार दिया और इस वाले स्प्लिट मॉन्स्टर से मेरे को थोड़ा सा स्पेयर और थोड़ी सी गियर वगैरह मिल जाता है, मैंने उठा लिया। अभी देखते हैं दूसरे वाले ने क्या दिया। ये रहा इसका थैली, ओ भाई इसने भी स्पेयर दिया, आयरन प्लेट, स्प्रिंग और तो पाइप भी दे दिया। काफ़ी अच्छा लूट मिल चुका है हमको मॉन्स्टर से। तो अभी चलो ये देखो भाई, ये चीज मेरे को काफी गंदा लगता है। मैं बैग ओपन किया, थोड़ा सा लोडिंग लिया, उसके बाद जाके बैग ओपन होता है, ऐसा ही सीन होता है यार। अगर आप में से कोई लियोस का पीसी प्लेयर है ना तो मेरे को यार कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी मैप ओपन करो तो थोड़ा सा लोडिंग लेता है, उसके बाद जाके ओपन होता है, सेटिंग ओपन करो फिर भी लोडिंग लेता है, फिर जाके ओपन होता है, या फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अगर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है तो आप इसका सोल्यूशन भी बता ही देना अगर आपको पता है तो। फिलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ मिलिट्री बेस के अंदर, यहाँ पे एवेंजर्स वगैरह तो मेरे को नजर पे नहीं आ रहा और कोई दूसरा थर्ड पार्टी बंदा वगैरह भी शायद से नहीं होगा। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ की ग्रीन रूम की तरफ, ग्रीन रूम को ओपन करके देखते हैं, अगर ब्लू कार्ड मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मैं यही उम्मीद पे आया हूँ कि मुझे यहाँ से ब्लू कार्ड मिल जाएगा, बट अगर नहीं मिला तो अपना बैड लक, कोई बात नहीं, देखते भाई फटाफट से चलते हैं रूम के पास में।
इधर से मैं शॉर्टकट ले लूंगा पत्थर के ऊपर से। ओके भाई बैठ जा। ओके निकल तो जाऊंगा ना। ओके गाइस ओके फाइनली मैं वहां से तो निकल जाता हूँ यार, कभी कभी निकलता ही नहीं है। लूट तो ये देखो रूम के अंदर, तो जनरेटर आजकल तो पास में ही कर दिया गया, सिर्फ सिविलाइजेशन मैप पे, बाकी सब मैप पे नहीं किया। जनरेटर के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस डाल देता हूँ यार, सारे के सारे ही डाल देता हूँ ना, इधर से ही तो निकलूंगा। निकलते टाइम बाकी जितना भी रेजिस्टेंस बचा हुआ होगा सारा का सारा निकालूंगा, क्या दिक्कत है। तो कार्ड लगा के मैं रूम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सप्लाई जेट वगैरह है, बेसिक सप्लाई जेट, जिसके अंदर हमको टट्टी सामान ही मिल जाता है। और इसके अंदर रूम बेड सारे टट्टी सामान, और यहाँ पे कुछ शॉटगन बैरल वगैरह मिल जाता है। और यहाँ से क्या मिलता है, स्पेयर, इससे शायद से बैंडेजेस मिलेगा, चलो बैंडेजेस मिल जाता है। और इससे कुछ जहर की खाना वगैरह, बाकी का जो चीज़ की हमें ज़रूरत था वो तो नहीं मिलता है। ब्लू कार्ड भाई, ब्लू कार्ड के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छे सामान मिला ही नहीं। चलो फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ, रेडिएशन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंट वगैरह भी निकाल लेना है सारे के सारे। चलो सारे रेजिस्टेंट मैंने निकाल लिया, इसको कट करो। और मेरे को अभी यहाँ से फटाफट से निकालना पड़ेगा यार, रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई साहब, 70 प्लस हो चुका है भाई, कहीं मैं मर ना जाऊँ। मेरे पास वैसे बैंडेजेस वगैरह तो काफ़ी सारे हैं, तो मैं हीलिंग वगैरह करके शायद से बच सकता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी मेरे से भाई रेडिएशन सारा का सारा चला गया है, मैंने खुद को हील अप भी कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे एक और स्प्लिट मॉन्स्टर का भाई रहता है, उसके भाई को टपका देते हैं, इससे भी हमको थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स मिल ही जाएगा। तो ये देखो भाई, ये रहा स्प्लिट मॉन्स्टर की भाई, तो इसको मेरे को अभी टपकाना पड़ेगा। इसको मारने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना शॉटगन का, क्योंकि जो SMG है ना उसको मैं ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि उस पे ज़्यादा बुलेट ही नहीं बचा है, उसका मैंने बस थोड़ा सा ही बुलेट लाया था। चलो ठीक है, शॉटगन से मैं इसको मार तो दूंगा काफ़ी इजीली। भाई ये ना ऐसे प्रोटेक्शन लगा लेता है यार सामने, शील्ड वगैरह। भाई साहब ये तो अपने हेल्थ को फुल करते जा रहा है भाई, शॉटगन से क्या मैं इसको मार भी पाऊंगा या पता चले भाई, ये अपना हेल्थ ऐसे फुल करता रहे और मैं ऐसे मारते जाऊँ और ये मरे ही ना। ओके ओके, तो फाइनली गाइस ये मॉन्स्टर तो मर जाता है, और इसने भी हमको काफ़ी अच्छा खासा कंपोनेंट्स दे देता है भाई साहब, 10 स्प्रिंग मिल जाता है इससे तो भाई, 10-10 करके ही देता है वैसे, ये सब एक स्टैक ही दे देता है, जो भी देना है एक स्टैक दे दो, काफ़ी सही है। नहीं कभी कभी कम भी देता है, बट ज़्यादा भी देता है कम भी देता है। चलो ठीक है जो भी हो, अभी देखो मिलिट्री बेस पर और कुछ बचा नहीं है, अपने पास कार्ड तो नहीं है, ग्रीन कार्ड था, ग्रीन रूम ओपन कर लिया, ब्लू कार्ड तो मिला नहीं, तो अभी चलो भाई फटाफट से मिलिट्री बेस से हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस मिलिट्री बेस के सारे सामान मैं रख देता हूँ अपने बेस में, एंड फिर मैं आता हूँ फैक्ट्री पे। अभी देखते हैं फैक्ट्री के ग्रीन रूम लूटेड है कि नहीं, अगर लूटेड होगा तो अपना बैड लक, अगर कार्ड वगैरह मेनली बस मुझे अभी ब्लू कार्ड चाहिए यार। अभी देखो भाई इस रूम के अंदर भी मेरे को लूट वगैरह तो नजर पे आ रही है भाई, चेस्ट वगैरह तो पड़ा है, तो चलो ओपन करके देखते हैं, अगर कार्ड भी मिल गया तो काफ़ी सही रहेगा, मेनली तो मुझे कार्ड ही चाहिए, वरना ग्रीन रूम से तो भला भाई कोई खास चीज मिलता नहीं। ओ भाई ये भी लूटेड ही है, बट एमो चेस्ट मिलता है हमको यहाँ पे, और भाई एमो के अंदर हमको मिलता है आयरन का पैंड जो कि काफी सही है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक और चेस्ट है, इसके अंदर कुछ ऐसे बैरल वगैरह मिल जाता है, बाकी सब कुछ तो लूटेड ही है। कार्ड वगैरह तो देखो भाई नहीं मिलता है, एक फूड चेस्ट है जिसके अंदर जहर वगैरह मिल जाती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं उठाता। चलो भाई ठीक है, अभी जनरेटर से जितना भी रेजिस्टेंस बचा है सारा का सारा रेजिस्टेंस मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ से गाइस मुझे लेवल 2 का मास्क भी मिल जाता है, चलो भाई काफी सही है, लेवल 2 की मास्क की महंगाई आजकल तो बहुत ज्यादा चल रही है। उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ बायो में, और यहाँ पे आते ही मैं सबसे पहले यहाँ की स्प्लिट मॉन्स्टर को मारने लग जाता हूँ। भाई साहब स्प्लिट मॉन्स्टर ने तो मेरे को एक पटका ही दे दिया, अगर एक और हिट मुझे लग गया ना फिर मैं यहीं पे डाउन हो जाऊंगा, बट मेरे को यहाँ पे संभाल के रहना है, ध्यान रखना भाई स्प्लिट मॉन्स्टर मेरे को कहीं मार ना दे। मैं यहाँ पे स्प्लिट मॉन्स्टर को मारने के लिए शॉटगन का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके वजह से भाई थोड़ा सा रिस्क हो जाती है, और इसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी कर दिया है, पूरा आधा हेल्थ ही खा गया मेरा। चलो फाइनली भाई मैं इस मॉन्स्टर को तो मार देता हूँ, इसने मेरे को काफ़ी सारे कंपोनेंट्स वगैरह दे देता है भाई, आयरन प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वगैरह और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट। चलो ठीक है, यहाँ पे एक और स्प्लिट मॉन्स्टर रहता है उस साइड पे, तो आप जाके देखते हो ऑल स्प्लिट मॉन्स्टर है कि नहीं, अगर होगा तो उसको भी किल कर देंगे। लेट्स गो गाइस, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा वाला स्प्लिट मॉन्स्टर भी दिख जाता है, तो लेट्स गो इसको मारने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी अपने SMG, क्योंकि लास्ट टाइम शॉटगन से मारने के चक्कर पे मैं मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि भाई वैसे ही मैं अपने PC में खेल रहा हूँ जिसमें खेलने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। हाँ PC की दूसरी गेम तो मैं काफ़ी ईजिली खेल लेता हूँ, उसकी आदत पड़ चुका है, लेकिन ल्यूज़ की कंट्रोल थोड़ा सा अलग है भाई PC की गेम में से। खैर स्प्लिट मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ बायो की ग्रीन रूम पे, तो इसका भी जनरेटर का लोकेशन भाई यहाँ पे कर दिया है रूम के ठीक सामने, तो जनरेटर के अंदर मैं अपने सारे के सारे रेजिस्टेंस डाल देता हूँ एंड चलते अंदर की तरफ। यहाँ पे कार्ड लगाते, रूम ओपन किया, बस इसके अंदर यार ब्लू कार्ड मिल जाए,
यार ब्लू कार्ड बहुत देर से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा। ओके तो इसके अंदर ऐसे ज़ॉम्बी वगैरह आने लगते हैं यार, जो कि तंग करने लगते हैं मेरे को। ये ले भाई शॉटगन का पटका खा ले, अभी बस यहाँ पे कोई दूसरा बंदा ना आ जाए, क्योंकि बायो में भाई वैसे ही बंदे हमेशा लड़ते रहते आते रहते। और बायो के ठीक बाजू पर भी एक काफ़ी बड़ा बेस भी बना हुआ है, तो इस बात से मेरे को बस थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी वगैरह ना हो जाए। बट चलो ठीक है, होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ज़ॉम्बी और एक आ जाता है, इसको मैं मार देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई ब्लू कार्ड वगैरह तो मेरे को नहीं मिलता है, सप्लाई चेस्ट वगैरह है, चलो इसको भी फोड़ दिया। यार मेरा बैकपैक ही फुल हो जाती है, चलो ठीक है ये सब मैं उठा लेता हूँ। एंड ये सब तो मेरे को चाहिए नहीं फालतू सामान, अभी चलो यहाँ से मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रहते ब्लू कार्ड मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ, बट नहीं था अभी। कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है यहाँ से स्पेयर उठा लेता हूँ, बाकी इसको भी उठा लेते हैं, बाल्टी वगैरह नहीं चाहिए हमको, अभी फटाफट निकलते भाई। यार मैंने रेजिस्टेंस बराबर डाला था, वो भाई यहाँ पे बंदे का फुटप्रिंट्स आ रहा है। लो गाइस बंदे ने अभी हमको यहाँ पे कर दिया है ट्रप, मतलब जिसका डर था वही हुआ। बंदे लोग भाई यहाँ पे फुल कैम करके बैठे रहते, इसीलिए यार मैं बायो वगैरह ज्यादा आता ही नहीं हूँ, जब भी आता हूँ यहाँ पे कैंपर्स मेरे को मिल ही जाती है। बंदा भाई क्या तरफा तरफा के मेरे को मार रहा है, देखो जरा यार, रेजिस्टेंस ही निकाल लिया, फुल रूम के अंदर बंद करके रख दिया। चलो ठीक है मैं इस कोने पे आ जाता हूँ, अभी देखो अपने हाथ पे कुछ नहीं है, हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, यहाँ पे रेडिएशन लगते लगते हम मर ही जाएंगे, तो उससे अच्छा ये होगा मैं यहाँ पे सेल्फी कर लेता हूँ। चलो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे खुद को सेल्फी तो कर लिया। ओ भाई साहब मेरा लेवल 2 का मार्क्स ही गिर गया यार, अपना सारा महंगा सामान तो यहीं पे गिर जाता है। देखो एसएमजी वगैरह तो नहीं गिरता, बट कंपोनेंट्स वगैरह गिर जाता है, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह हो गया, भाई पूरा एक स्टैक स्प्रिंग गिर गया मेरा। खैर उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ रिसर्च सेंटर पे, तो इसकी जनरेटर पे मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह डाल देता हूँ। एंड एयरपोर्ट रूम भी ओपन करके देख लेते हैं हमको कार्ड मिलता है कि नहीं, वैसे तो यार बाहर से ही दिख रहा है यार, कार्ड है नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर एमो चेस्ट वगैरह है तो मैं ये सब तोड़ लेता हूँ। भाई आर्मर मिल गया आयरन का आई थिंक, चलो ठीक है भाई कार्ड तो नहीं है, मैंने एक बार और अच्छे से चेक कर दिया बट नहीं था। भाई सब आयरन का एग्स वगैरह मिल जाते हैं, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से बैंडेजेस वगैरह और ये क्या भाई टट्टी सामान वगैरह मिल जाता है, स्पेयर वगैरह उठा लेता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ भाई थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स रस्सी वस्सी, बट मेरा बैग फुल हो जाती है, तो चलो निकलता हूँ फटाफट। भाई रेडिएशन भी लग रहा है एंड मैंने रेडिएशन थोड़ा सा ही डाला था, तो चलो छोड़ो निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद गाइस मैं दोबारा से हाजिर हो जाता हूँ रिसर्च सेंटर पे ही, और इस बार फाइनली यहाँ पे ब्लू कार्ड स्पॉन हो चुका है, तो मैं इस जनरेटर के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन डाल देता हूँ और सीधा भागता हूँ कार्ड उठाने के लिए। फाइनली गाइस अब जगह मेरे को कार्ड मिला। लास्ट टाइम जब मैंने योली रूम किया था उसके बाद भाई ये रूम करने के बाद मैं चला गया था मिलिट्री बेस, बट मिलिट्री बेस जाके ही मैं खाली हाथ ही लौटता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कार्ड मेरे को नहीं मिला था, बस ग्रीन रूम ओपन किया उसके बाद लौट आया था। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ही आता हूँ और आके फाइनली मेरे को ग्रीन कार्ड, मेरा मतलब ब्लू कार्ड मिल जाता है। चलो ठीक है अभी फटाफट से गाइस यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं कोई ब्लू रूम ओपन करने के लिए। और राइट गाइस तो उसके बाद मैं ब्लू कार्ड लेके आ जाता हूँ मिलिट्री बेस, एंड मेरे मिलिट्री बेस का ब्लू रूम भी अभी ओपन कर दिया है। इसके अंदर मेरे को पर्पल कार्ड तो नहीं मिलता है, बट कुछ चेस्ट वगैरह दिखता है, तो इसीलिए मैंने ओपन तो कर दिया। भाई एमो चेस्ट भी नहीं है यार, फालतू गया अपना ब्लू कार्ड। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सप्लाई चेस्ट वगैरह फोड़ लेता हूँ, यहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स वगैरह भी मिल जाती है। यार ब्लू रूम का इतना टट्टी लूट, इससे अच्छा तो मैं स्प्लिट मॉन्स्टर को ही मार लूँ, इससे अच्छा लूट तो स्प्लिट मॉन्स्टर ही दे देता है। चलो ठीक है यार अभी नहीं मिला तो नहीं मिला, कार्ड भी नहीं मिला, अभी जितना भी रेशन चाहे सारा निकाल लेते और ऐसे निकलते हैं। ओके गाइस तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट की ब्लू रूम पे, अभी देखते हैं इस रूम के अंदर लूट वगैरह है कि नहीं। सबसे पहले इधर से देख लेता हूँ भाई, कार्ड वगैरह तो पता नहीं है कि नहीं है, बट मेरे को एमो चेस्ट वगैरह नजर पे आ रही है। सो चलो ओपन करते हैं यार ब्लू रूम में, ओपन करने में क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस डाल देता हूँ एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे अभी कार्ड लगाना पड़ेगा मुझे। ओके गाइस तो दरवाजा ओपन हो चुका है, मैं आ जाता हूँ अंदर। यहाँ पे आते ही सप्लाई चेस्ट हो रहा, थोड़ा बहुत गियर वगैरह मिल जाते हैं एमो चेस्ट के अंदर। ओ भाई आयरन का हेलमेट मिल जाती है, अभी गाइस अपने पास आ चुका है आयरन का हेलमेट, चेस्ट प्लेट और पैंट, बाकी रहता है बस बूट, वो भी मिल ही जाएगा यार, कभी ना कभी मिल जाती है वैसे आयरन का आर्मर आजकल काफी इजीली, भाई ग्रीन रूम से ही आयरन का आर्मर वगैरह मिल जाते हैं ग्रीन रूम की एमो चेस्ट से। खैर गाइस इस रूम को तो हमने लूट लिया, कुछ खास सामान मिला नहीं आयरन की हेलमेट के अलावा, भाई कार्ड भी नहीं है। चलो ठीक है अभी हमको भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने बेस में एंड देख लो भाई अपने पास आज क्या क्या लूट कलेक्ट हो पाया है। तो इस चेस्ट के अंदर कुछ ये सब सामान रखा हुआ है और इसके अंदर ये सब कंपोनेंट्स वगैरह, एंड इसके अंदर देखो जरा क्या है, इसके अंदर ये सब रखा हुआ है और कुछ तो खास है नहीं। ये अपना क्लोज सेट है, क्लोज सेट के अंदर बस थोड़ा बहुत बोन का आर्मर हाइट का आर्मर ही पड़ा हुआ है और कुछ है नहीं। तो खास सामान तो गाइस आज हमको कुछ भी नहीं मिला। खैर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, आई होप आप सभी लोगों को आज की ओली गेम प्ले वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।